आज की रेसिपी है वेरी ट्रेडिशनल और बन रहा है जी आलू गोश्त तो रहें मेरे साथ और देखें कैसे बन रहा है जी ये देगी स्टाइल आलू गोश्त सो स्टे वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू जी एस लाइफ स्टाइल आई होप यू आर डूंगे सो लेट्स इन्ग्रीडियंट मटन ले लिया है मैंने वन एंड हाफ के जी है मिक्स टू हैं जी ऑनियन लार्ज एंड टू है टोमेटो ज़ीरा है सबित पिसा धनिया है काली मिर्च का पाउडर लाल मिर्च हल्दी ग्रीन चिलीज हैं एंड लहसन अदरक एज वेल गरम मसाला है सबित और पिसा दोनों और है सॉल्ट और ये मैंने ले लिया हैं जी पोटैटो जो हैं थ्री टू फोर जिनको मैंने कर लिया है कट जिस तरह हम डाल रहे होते हैं ग्रेवी में तो चलें करते हैं रेसिपी को स्टार्ट तो मैं बना रही हूँ इसको ऑयल में आप चाहें तो बना सकते हैं घी में भी सो इट्स वन ऑफ़ द रेसिपी जो हर घर में बन रही होती है और सब खा रहे होते हैं इसको बहुत मज़े से सो so, ये एड ऑन हो चुका है जो ऑनियन ऑनियन मैंने कर लिया था तीन स्लाइस तो मैंने लिए हैं टू ऑनियन क्योंकि मेरी क्वांटिटी है आज थोड़ी ज़्यादा सो so, इसको हम करेंगे लिटिल लाइट गोल्डन हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपके जो सालन की लुक है उसकी बेस बनती है इस पॉइंट पे अगर आपने इसको कर लिया बहुत ज़्यादा डार्क तो कलर अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा बट एट द सेम टाइम सो अगर कलर लाइट हुआ तो भी इसमें रौनक नहीं आएगी तो आपने रखना है मीडियम गोल्डन जो आपका ब्राउन ऑनियन होता है उस कलर में इसको फ्राई करना है सो इट्स वन ऑफ़ द बेसिक स्टेप जिसको करें आप फॉलो और फिर देखें कि आपके जो खाने में टेस्ट जो है वो कितना निकल के आता है सो so, ये हो गया जी हमारा ज़ीरा ऐड ज़ीरा क्रश नहीं है साबित है सो so, ये मैंने ले लिया था वन टेबल स्पून और इस पॉइंट पे मैं करूँगी इसको ऑनियन के साथ सोते सो मेक श्योर कि इस पॉइंट पे आप ज़रूर uh, खड़े रहें बिकॉज ऑनियन जब बिल्कुल एंड पे होता है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बर्न हो जाए या एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाए सो मेक श्योर यू स्टे विद इट और अब हमारे चले गए जी मसाले जिसमें हमारा नमक मिर्च हल्दी जो है वो आयरन हो चुका है सो इस वन ऑफ वेरी क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी ऑफ आलू गोश्त यह बनाएं और करें इंजॉय सो so ये हमारा ऑलमोस्ट ये हमारे खड़े गरम मसाले भी इसमें इस पॉइंट पे चले गए हैं और हमारा अब एड ऑन हम करेंगे अ डैश ऑफ वाटर इस पॉइंट पे ताकि जो हमारा मीट है वो जाके एकदम हमारी सरफेस पे जो है वो बर्न ना हो जाए और हमारा मसाला ना जल जाए इसलिए हमने डालना है लिटल वाटर सो so, ये अब इस पॉइंट पे हमारा चला गया है मीट मीट मैंने लिया है जी मिक्स सो so, अब हम करेंगे जी इस मसाले में इसकी भुनाई एट द सेम टाइम आप मेक श्योर sure करें कि अच्छी तरह से आप इसकी करें भुनाई इस पॉइंट पे और आपका मीट जो है वो कलर अपना कर लिए चेंज सो so, साथ साथ मैं लहसुन अदरक वो कर चुकी थी ऐड ऑन और अब मैंने कर लिया जी अपना स्पून चेंज बिकॉज उससे हो रहा था मुझे लिटल डिफ़िकल्ट और अब चले गए हैं मेरे टोमेटोस तो टोमेटोस मैंने ले लिए हैं टू आप चाहें तो इसमें वन भी एड ऑन कर सकते हैं और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए जैसे कि मैंने बनाई है तो फिर आप एड ऑन करें टू इस पॉइंट पे और अब हम करेंगे अच्छी सी भुनाई इसकी अपने मटन की विद आर टोमेटोस और ये अब चले गए हमारे जी पोटैटो तो पोटैटो मैंने बॉयल बिल्कुल भी नहीं किया ये मटन के साथ ही हो जाएंगे इस पॉइंट पर टेंडर सो आप चाहें तो कर सकते हैं बॉइल भी अगर आप डाल रहे हैं एंड पे बट मैं यही रेकमेंड करूँगी कि इसी पॉइंट पर डालें और आपका बहुत अच्छा सा इकट्ठा ये हो जाएगा रेडी शोरबा सो जी अब मैंने डाल दिया है इसमें सूखा धनिया पाउडर वन टेबल स्पून वन टी काली मिर्च का पाउडर और डैश ऑफ मेरा चला गया है वाटर बिकॉज़ इसमें बिल्कुल हो चुका था ये ड्राई और स्टिल मैं कर रही हूँ इसकी बुनाई तो आप देखें कि मैं कितनी ज़्यादा इसकी कर रही हूँ बुनाई बिकॉज़ बुनाई इज़ द मेन थिंग और अब मैं इसको करूँगी कवर फॉर गुड टू टू थ्री मिनट्स और जब मैं देखूँगी कि ऑयल हमारा आ चुका है जी सर्फिस पे तो फिर हम एड ऑन करेंगे इसमें अपना एडिशनल वाटर और बनाएंगे इसका शोरबा बट एज़ ऑल ऑफ यू नो कि पाकिस्तानी खानों में एशियंस खानों में बुनाई जो है वो कर रही होती है बहुत ज़्यादा रोल प्ले तो जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा हमारे खाने का टेस्ट जो है वो आएगा निकल के सो so, ये देखेंगे अभी ऑलमोस्ट ये ऑयल हमारा जो था वो हमारी सरफेस पे आ गया था बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल एड ऑन नहीं किया सो so, इस पॉइंट पे हमारा कलर बड़ा अच्छा सा हमारी ग्रेवी का जो है वो निकल के आ चुका है बट स्टिल हमारा मटन जो है वो टेंडर नहीं है और अब हम उसको करेंगे टेंडर सो so, इसलिए अब मैं डाल रही हूँ जी वाटर सो इट्स अगेन अप टू यू आप जितना शोरबा और जितनी ग्रेवी रखना चाहें उतना आप करें वाटर ऐड सो so, मैंने ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे ऐड ऑन करना है जी अबाउट वन लीटर मैंने वाटर ऐड कर देना और उससे बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी निकल के आ जाएगी तो देखें जैसे ही मैंने वाटर डाला तो कितना अच्छा इसका कलर आया इट जस्ट बिकॉज कि हमने की है इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई और अब हम इसको कर देंगे कवर जितनी देर हमारा मीट हो जाए टेंडर बाय द वे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको प्रेशर कुकर पे ही बनाएं आप इसको वैसे भी स्लो फ्लेम पे बना सकते हैं किसी भी कढ़ाई या एनी थिंग वट यू हैव बट प्रेशर कुकर में हो जाती है थोड़ी आसानी और आपके और बहुत सारे काम एट द सेम टाइम हो जाते हैं सो so, ये मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो पहले ही कर दी हैं ऐड बिकॉज इसका टेस्ट बहुत अच्छा जो है वो निकल के आता है इस पॉइंट पे अगर आप कर दें ऑन सो so, अब हम देंगे जी इसको दम सो मेक श्योर कि साइड्स हो जाए अच्छी तरह से क्लीन आपके पैन की ताकि एट द सेम टाइम आपकी जो सारी ग्रेवी है उसको आज बहुत अच्छा सा दम एज वेल well, तो ये जी अब जा ऑलमोस्ट पकेगा ये जी फॉर ट्वेल्व टू फिफ्टीन मिनट्स और बिकॉज़ ये प्रेशर कुकर है तो इसमें हो जाएगा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा ये बेल डन और उसके बाद अगर आप चाहें तो स्लो फ्लेम पे ज़रूर रखा करें ताकि टेस्ट जो है वो निकल के आए सो so, ये और मुझे हमारा मीट हो चुका था इस पॉइंट पे टेंडर और ऑफ कोर्स हमारी ग्रेवी भी बन गई थी अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट और ऑयल देखे कितना अच्छा हमारा ऊपर आ चुका है सो नाउ इज़ द सर्विंग टाइम और अब मैं कर रही हूँ जिसको सर्व सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ़ आर देगी आलू शोरबा सो वन ओ वेरी ट्रेडिशनल रेसिपी बनता है बहुत ही मज़े का एंड वेरी झटपट सो इट्स हेयर फॉर ऑल ऑफ़ यू लगा है आपको कैसा दीजिएगा कमेंट कमेंट बॉक्स में रखिएगा दुआओं में याद मुझे इफ़ यू लाइक माई रेसिपी सब्सक्राइब माई चैनल गिव मी आ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन